साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रयास 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत कार्यपत्रक 95 और कार्यपत्रक 96। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 95 पेज नंबर 134 दक्षता है गुणन के विभिन्न तरीकों को काम में ले सके। पहला है उदाहरण को समझकर दिए गए प्रश्नों को इसी प्रकार से हल करने का प्रयास कीजिए। उदाहरण दे रखा है 5 × 48, तो 5 × 48 से करना है। 48 को हम 40 + 8 लिख सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे 5 × 40 + 8 = 1। अब 5 × 40 से भी करना है और 5 × 8 से भी करना है, इसे हम लिखेंगे 5 × 40 = 1 प्लस 5 × 8 = 1। 5 × 40 से करेंगे, 5 × 20 और 1 0 लगा देंगे यानी 200 प्लस 5 × 40, 200 में 40 जोड़ेंगे बराबर 240 यानी 5 × 48 बराबर 240। हम इस प्रकार से गुणा करेंगे। इसी प्रकार से देखिए उदाहरण एक और है 27 × 5। 27 का 5 से गुणा करना है। 27 को हम 20 + 7 लिख सकते हैं, तो इसे लिखेंगे 20 + 7 = 5। अब 5 × 20 से भी करना है, 5 × 7 से भी करना है। 5 × 20 से करेंगे कोष्टक इस प्रकार से लिखेंगे 20 × 5 = 1 प्लस 7 × 5 = 1। 20 × 5 = 100, 7 × 5 = 35, 100 + 35 कितना आएगा 135। तो यहाँ लिखेंगे हम 135, या थोड़ा मिसप्रिंट है, सही कर दीजिएगा इसे, 135 लिखेंगे। 27 × 5 कितना आएगा 135। इसी प्रकार से हम आगे वाले जो सवाल दे रखे हैं हम इनको इसी तरीके से हल करेंगे। पहला है 4 × 35, तो हम इसे लिखेंगे बराबर 4 × 35 को हम लिखेंगे 30 + 5 = 1। अब 4 × 30 से भी करना है, 4 × 5 से भी करना है, तो लिखेंगे हम 4 × 30 प्लस 4 × 5। 4 × 30 से करेंगे, 4 × 12 और 1 0 लगा देंगे बराबर 120 प्लस 5 × 20, 120 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा बराबर 140। तो ये गुणा आएगा 4 × 35 बराबर 140। चौथा है 38 × 7, तो देखिए इसे बराबर लिखा हुआ है, 38 को 30 + 8 लिखा हुआ है गुणा 7। अब 30 का गुणा 7 का गुणा 30 से भी करेंगे और 7 का गुणा 8 से भी करेंगे, तो यानी 30 × 7 + 8 × 7। 7 × 30 से 7 × 21 और 1 0 लगा देंगे 210 प्लस 7 × 8 = 56। 210 में हम 56 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 266, तो यहां प्राप्त हुआ 266 यानी 38 × 7 बराबर 266। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाले जो गुणे हैं इन्हें भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगला है दूसरा 8 × 76, तो देखिए हम लिखेंगे इसे बराबर 8 × 76 को हम 70 × 6 लिख सकते हैं। 8 का गुणा 70 से भी करेंगे और 6 से भी करेंगे, लिखेंगे हम इसे 8 × 70 + 8 × 6, 8 × 7 = 56 और 1 0 लगा देंगे यानी 560 प्लस 8 × 6 = 48। अब दोनों को हम जोड़ लेंगे, 0 में 8 जोड़ा 8, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 में 1 जोड़ा 6 कितना आया
608। पांचवा है 75 गुणा 6, तो हम यहाँ 75 को 70 प्लस 5 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे बराबर 70 प्लस 5 और गुणा 6 का गुणा 70 और 6 का गुणा 5 दोनों से करेंगे, 70 गुणा 6 प्लस 5 गुणा 6 सात संग 42 और 10 420 प्लस 6 पंजे 30। अब दोनों को जोड़ देंगे, 420 और 30 को जोड़ेंगे 450। ये था पांचवा। चलिए आगे अगला तीसरा है, 9 का गुणा करना है हमें 58 से, तो हम इस प्रकार से करेंगे 9 गुणा कोष्टक 58 को हम 50 प्लस 8 लिख सकते हैं, तो हम 9 का गुणा 50 से भी करेंगे और 8 से भी करेंगे, 9 गुणा 50 प्लस 9 गुणा 8 यहाँ बराबर लगा देंगे हम, 9 पंजा 45, सॉरी हम हिंदी में लिखेंगे 9 पंजा 45 और 10 लगा देंगे, यानी 450 प्लस 9 अड्डा 72। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 0 में 2 जोड़ा 2, 5 में 7 जोड़ा 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, कितना आया 522। छठा है कितना, 94 गुणा 5, 94 का गुणा 5 से करेंगे, हम 94 को 90 प्लस 4 लिख सकते हैं और गुणा करेंगे 5 से, 90 का गुणा 5 से और 4 का गुणा 5 से करेंगे, 90 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 5, तो ये बराबर यहाँ लगा देंगे हम, 90 का 5 से करेंगे, 9 पंजा 45 ये लिखेंगे 45 और 10 लगा देंगे प्लस 4 का गुणा 5 से 4 पंजा 20। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 450 और 20 470। तो ये था कार्यपत्रक 95। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक 96 पेज नंबर 135 दक्षताएं, सैकड़े तक की संख्याओं को इकाई व डाई से गुणा कर सके। पहला है, 3 अंकों की संख्या को 2 अंकों तक की संख्या से गुणा कीजिए। पहला है 174 गुणा 6, 6 का गुणा 4 से 6 चौका 24 हासिल लगा 2, 6 सत्ता 42 और 2 44 का 4 हासिल लगा 4, 6 एकम 6 और 4 10, 1044। दूसरा है 205 गुणा 8, 205 नीचे 8 लिखेंगे, 8 पंजा 40, 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 का गुणा 0 से करेंगे 0, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 और 8 दूनी 16, 1640। तीसरा है 327 गुणा 6, लिखेंगे हम यहाँ 327 और नीचे लिखेंगे 6, गुणा करेंगे 6 का 7 है 6 सत्ता 42, 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 6 तिया 18, 18 और 1 19, कितना आया 1962। चलिए अगला चौथा है, 305
गुणा 27, 305 या 27 लिखेंगे, 7 का गुणा इनसे करेंगे, फिर 2 का गुणा इनसे करेंगे, 7 का गुणा इनसे किया, 7 का 5 से 7 मुझे 35, 35 का 5 यहाँ से लगा 3, 7 का 0 से करेंगे 0, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 7 या 21। अब ये 2 का गुणा शुरू करेंगे, इकाई के नीचे 0 लिखेंगे, ढाई से शुरू करेंगे, 2 5 10, 10 का 0 यहाँ से लगा 1, 2 का 0 से करेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 और 2 3 6। अब हम इनको जोड़ लेंगे, 5 का 5, 3 का 3, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8235। ये पांचवा है, इस गुणों के भी हम करेंगे, 378 गुणा 35, 378 नीचे 35 लिखा, अब 5 का गुणा इनसे करेंगे, 5 8 40, 40 का 0 यहाँ से लगा 4, 5 7 35, 35 में 4 जोड़ेंगे 39, 39 का 9 यहाँ से लगा 3, 5 3 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18। अब हम 3 का शुरू करेंगे, इकाई के नीचे 0 लगा देंगे या आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, दाई से लिखना शुरू करेंगे, 3 8 24, 24 का 4 यहाँ से लगा 2, 3 7 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 का 3 यहाँ से लगा 2, 3 3 9, 9 और 2 11। अब इनको हम जोड़ लेंगे, 0 का 0, 9 में 4 जोड़ें 13, 13 का 3 यहाँ से लगा 1, 8 में 1 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 यहाँ से लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3 और ये 1, कितना आया 13230। या हम 0 की जगह क्रॉस भी लगा सकते हैं। अगला सवाल नंबर 6, 249 गुणा 36, तो लिखेंगे हम यहाँ 249 और नीचे लिखेंगे 36, गुणा करेंगे, 6 का गुणा इनसे करेंगे, सबसे पहले 6 9 54, 54 का 4 यहाँ से लगा 5, 6 4 24, 24 5 जोड़ेंगे 29, 29 का 9 यहाँ से लगा 2, 6 2 12, 12 और 2 14, इस प्रकार से लिखा। अब हम 3 का शुरू करेंगे, यहाँ इकाई के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दाई यानी 2 से लिखना शुरू करेंगे, 3 का गुणा 9 से करेंगे, 3 9 27, 27 का 7 यहाँ से लगा 2, 3 4 12, 12 और 2 14, 14 का 4 यहाँ से लगा 1, 3 2 6, 6 और 1 7। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे, 4 का 4, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 4 4 8 और 1 9 और 1 में 7 जोड़ेंगे 8, कितना आया 8964। अगला है सवाल नंबर 7, 208 गुणा 40, 208 और नीचे लिखेंगे 40, गुणा करेंगे, 0 का गुणा 8 से 0, 0 का 0 से 0, 0 का 2 से 0। अब 4 का करेंगे, यहाँ क्रॉस लगा देंगे, दूसरे नंबर से लिखना शुरू करेंगे, 4 8 32, 32 का 2 यहाँ से लगा 3, 4 का 0 से करेंगे 0, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 4 2 8। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे, 0 का 0 ये 2, 3 का 3 और ये 8 का 8, 8320। चलिए अगला आठवां, 403 गुणा 28, गुणा करते हैं, 403 लिखा और यहाँ 28 लिखेंगे, गुणा करेंगे। अब हम 8 का गुणा इनसे करेंगे, 8 3 24, 24 का 4 यहाँ से लगा 2,
आठ का जीरो से करेंगे जीरो, जीरो में दो जोड़ेंगे दो, आठ चौक 32 लिख दिया। अब हम दो का शुरू करेंगे या क्रॉस लगा देंगे, इससे लिखना शुरू करेंगे। दो तिया छः, दो का जीरो से करेंगे जीरो, दो चौके आठ। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे, चार का चार, दो में छः जोड़ा आठ, दो का दो, तीन में आठ जोड़ेंगे ग्यारह, कितना आया 11,284। चलिए अगला है नवा, 526 गुणा तिरपन, 526 गुणा करेंगे तिरपन से, तीन का गुणा करेंगे तीन छंग 18, 18 का आठ हासिल लगा एक, तीन दूनी छः, छः और एक सात, तीन पंजे 15। अब हम दाई का शुरू करेंगे, इकाई के नीचे क्रॉस, दाई से लिखना शुरू करेंगे, पाँच छंग 30, 30 का जीरो हासिल लगा तीन, पाँच दूनी 10, 10 और तीन 13, 13 का तीन हासिल लगा एक, पाँच पंजे 25, 25 और एक 26। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे, आठ का आठ, सात में जीरो जोड़ा सात, पाँच में तीन जोड़ा आठ, छः में एक जोड़ा सात, और ये दो का दो, कितना आया 27,878। तो इस प्रकार से ये था कार्यपत्रक 96। तो साथियों आज के क्लास में हमने कार्यपत्रक 95 और 96 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।